द कॉम्बिनेशन ऑफ दीस टू हाउ दीस टू इफेक्ट्स विल वर्क टूगेदर सो इस कॉन्टेक्स में हम जो एग्जाम्पल आज लेंगे कि वो दोनों किस तरह से एक साथ मिलकर वर्क करेंगे दोनों इफेक्ट्स सो so, इसमें रियल ये डिपेंड करता है कि रियल वेज जो इंक्रीज हो रही है दिस इंक्रीज इज वेदर परमानेंट आर टेम्पोरे और लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन द रियल वेज will actually cause both these effects, income as well as substitution effect. Due to substitution effect, if real wage increases permanently for a long, longer period of time, due to substitution effect, worker will supply more labor because the reward of work is now increased. So, worker ziyada kaam karega, layer chukiya expensive ho इसको कम कर देगा और वर्क ज़्यादा करेगा और इनकम इफ़ेक्ट की वजह से हम इस बात को समझ चुके हैं कि इनकम इफ़ेक्ट की वजह से क्या होगा कि अब वो ज़्यादा लेयर अफोर्ड कर सकता है लेयर इज़ नॉर्मल गुड सो वो लेयर ज़्यादा कर देगा और इसके नतीजे में क्या हो जाएगा वर्क जो है वो कम हो जाएगा तो सब्सडिशन इफेक्ट की वजह से लेबर सप्लाई इंक्रीज़ कर रही है और इनकम इफेक्ट लेबर सप्लाई को डिक्रीज़ कर रहा है तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे सो व्हाट विल बी द नेट इफ़ेक्ट कि ओवरऑल क्या होगा वेज के इंक्रीज़ होने से लेबर सप्लाई ओवरऑल बढ़ेगी या कम होगी बढ़ने का मतलब ये है कि जब इनकम इफ़ेक्ट आपका स्ट्रांगर होगा तो फिर क्या हो जाएगी वेज के बढ़ने से ओवरऑल वर्क जो है वो कम हो जाएगा और जब सब्सिशन इफेक्ट स्ट्रागर होगा तो उसके नतीजे में वेज के बढ़ने से लेबर सप्लाई बढ़ जाएगी और अगर दोनों इक्वल होंगे एग्जैक्टली exactly एक दूसरे को ऑफसेट कर देंगे तो इसका मतलब फिर ये होगा कि वेज बढ़ी है बट देर इज नो चेंज इन द लेबर सप्लाई वट विल बी द नेट इफेक्ट वेदर इनकम इफेक्ट विल डोमिनेट और द सब्सिशन इफेक्ट विल डोमिनेट ओके सो इसका इहसार इस बात पर है कि जो वेज इंक्रीज हो रही है उसकी एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम क्या है अगर ये वेज एक लंबे अर्से के लिए इंक्रीज हो रही है ठीक है तो इसका मतलब ये होगा कि इनकम इफेक्ट स्ट्रांगर हो जाएगा और इनकम इफेक्ट स्ट्रांगर होने की वजह से क्या हो जाएगी कि लेबर सप्लाई कम बढ़ेगी और अगर ये टेम्प्रेरी पीरियड के लिए इंक्रीज़ हुई है तो इसके नतीजे में सब्सटूशन इफेक्ट है वो स्ट्रांगर हो जाएगा और उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि उसकी वजह से फिर लेबर सप्लाई बढ़ जाएगी तो ये क्योंकि थ्योरी तो इसमें डिसाइड नहीं कर सकती कि कौन सा इफ़ेक्ट डोमिनेट करेगा इसको हम फिर एम्परिकली भी स्टडी करते हैं कि एम्पेरिकली डाटा जो है वो क्या शो करता है कि क्या होता है तो डाटा के जो रिजल्ट्स हैं वो भी यही हमारे सामने आते हैं कि जब भी टेम्परेरी इंक्रीज होती है वेज में तो उससे लेबर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है क्योंकि सब्सट्रीशन इफ़ेक्ट अब इसमें डोमिनेट करता है और इनकम इफेक्ट स्ट्रांग हो, होता है और जब इंक्रीस परमानेंट नेचर की होती है तो फिर इनकम इफ़ेक्ट स्ट्रांग होने की वजह से और उससे ज़्यादा होने की वजह से फिर जो लेबर सप्लाई है वो कम हो जाती है तो थोरेटिकली सारी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जब वेज बढ़ेगी तो लेबर सप्लाई बढ़ सकती है लेबर सप्लाई कम हो सकती है लेबर सप्लाई कांस्टेंट रह सकती है बढ़ेगी कब जब इनकम इफेक्ट स्ट्रागर होगा और कम कब होगी जब सब्स्रपन इफेक्ट स्ट्रांगर होगा तो इनकम इफेक्ट कब स्ट्रागर होगा जब इंक्रीज़ परमानेंट नेचर की होगी और सब्स्रिपन इफेक्ट कब स्ट्रॉगर होगा जब इंक्रीज जो है वो रिलेटिवली थोड़ी मुद्दत के लिए होगी टेम्परेरी नोयत की होगी थैंक यू